तो भैया चाबी कहाँ है? हमारी चाबी तो ये रही, हमारी बिग डैडी खड़े भैया कनेक्ट कर रहे हैं। ओ भाई, पेट्रोल को आपको लग जाएगा पेट्रोल को आने में 3 महीना के आसपास, 3 महीना तो डीजल। तो फाइनली गाइस हमारी कार आ चुकी है शोरूम पे, आ चुकी है ना भाई? हाँ। तो फाइनली गाइस हम लोग शोरूम पहुंच चुके हैं, लीडर ऑटोमोबाइल्स, आप देख सकते हो। अंदर भी चलते हैं और भैया हमारे यहीं पे मिल गए। तो भैया चाबी कहाँ है? हमारी चाबी, देखो भाई चाबी देख लो हमारे स्कॉर्पियो की। नए लोगों के साथ, नए लोगों के साथ इस तरफ काफ़ी अच्छा लग रहा है। अंदर चले भैया, चलिए अंदर। तो अंदर चल रहे हैं हम लोग। तो ये रही अपनी गाड़ी, ये है 700 है और ये यहाँ पे डिस्प्ले में लगी हुई है, ये डिस्प्ले के लिए। चलिए तो ये डिस्प्ले है, थोड़ा सा इसको दिखा देते हैं। और हमारी फाइनल गाड़ी कहाँ है भैया, बाहर है क्या? ये वाली है, ये मेरे पैंट से मिलता जुलता कलर है इसका। काफ़ी अच्छी लग रही है स्कॉर्पियो। और मेन हमारी गाड़ी बाहर है, हाँ। तो चलिए थोड़ा बाहर बाहर एक्सप्लोर कर लेते हैं, एक बार इसको अंदर से दिखा दे सर। ये अभी अनलॉक, हाँ चलिए अनलॉक है। ये देखो भाई लग्जरी, भाई कितना ऊपर है आप देखो। ये आपको कैमरा में जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा मगर ये बहुत ही ऊपर है। बिग डैडी स्लोगन के साथ आई है ये स्कॉर्पियो। अरे यार पहली बार दिया है स्कॉर्पियो में, लोग बहुत बोल्ड दिया है सनरूफ। चलो अपनी गाड़ी को देखते हैं, बाहर लगी हुई है। तो ये रही हमारी बिग डैडी खड़ी है यहाँ पे। ओ भाई एक नंबर, काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है भाई, सच में बिग डैडी लग रही है। तो भैया ये क्या है? ये स्कॉर्पियो का सबसे टॉप मॉडल है, सबसे टॉप मॉडल फोर व्हील ड्राइव आता है, फोर व्हील ड्राइव। और आप एक बता रहे थे उधर जो क्लासिक जिस पे शूट किया हमने आज, वो गाड़ी है ना? हाँ वो गाड़ी लग्जरी पैक, लग्जरी पैक Z8L लग्जरी पैक जो हमने अंदर देखा वो भी ये था, सेम ही था। ये भी वाइट में तो काफ़ी अच्छी लग रही है भैया, ये भी मगर ये ब्लैक ब्लैक ब्यूटी ब्लैक का लगी स्वैग होता है भैया। ये W8L ही है, W8L ही है, बट ये फोर व्हील ड्राइव है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है भैया इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स? इसको आप अगर ऑन करते हैं जी, ठीक है ना, तो चारों चक्के में इससे बराबर पावर जाता है, बराबर पावर जाए। वो ये थार वाला, थार वाला, हाँ थार वाला। आइए देखते हैं अंदर से गाड़ी, अंदर से विजिट करते हैं एक बार दिखाएंगे। ओ भाई ओ भाई, यहाँ तो यहाँ से एडजस्ट किया जाता है आगे पीछे जी। तो आप देख सकते हो शूट कर लिया क्या? अरे देखो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिएंट भी है जी, बिल्कुल ऑटोमेटिक है। इसमें आपको ब्रेक और एक्सीलेटर का ही दिया है, बिल्कुल पीछे जाएगी आगे जाएगी, आगे, हाँ बिल्कुल इससे आगे जाएगी। और काफ़ी अच्छा क्रोम में पियानो ब्लैक फिनिश में, और ये लेदर में दिया गया है, पूरा वही लेदर दिया है, हाँ ये पूरा लेदर है और काफ़ी अच्छा प्रीमियम लगता है। सनरूफ ऑन कर सकते हैं भैया? बिल्कुल, इसको ऐसे करके ना, चलिए नहीं नहीं ऊपर 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 ऊपर। ओ भाई हो एक नंबर, अभी शीशा भी हो जाएगा भैया? बिल्कुल शीशा नहीं हो रहा शायद, शीशा हो गया हो गया हो गया, सॉरी एकदम पता नहीं चल रहा है भाई, एकदम थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं हम लोग। ओ भाई स्पीकर यहीं पे दिया हुआ है, इसमें 12 स्पीकर मिलते हैं, 12 स्पीकर हुए सोनी का। ये आपका सोनी का स्पीकर हो चुका है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। और भैया से पूछते कुछ डिटेल इसके बारे में पूछ लेते हैं कि हम लोग तो आज चलाने के लिए आए हैं, चलाने मिल सकता है कि नहीं भैया? आप ये कंट्रोल देखो, इसको क्या बोलते भैया कंट्रोल को? ये इसको क्या बोलते हैं, स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल, सॉरी सॉरी बाइक वाला आदमी हो ना भाई, बाइक की रिव्यू करता हूँ, कार में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है, बट इसको स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल इसको बोलते हैं। इधर आपका इंफोटेनमेंट का कंट्रोल मिल जाता है, और स्विचिंग तो काफ़ी अच्छी लग रही है भाई। और इधर आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का आ जाता है, इधर आप देख सकते हो। हॉर्न एक बार एक्सप्लोर करते हैं,
काफी कूल है, बट अंदर आवाज नहीं आया होगा। नहीं सर, हम लोग को थोड़ा सा ये देखो सनरूफ का व्यू पीछे से, प्रेम पीछे से विजिट हो जा रहा है सनरूफ। हाँ, हो जा रहा है आराम से, हो जा रहा है। तो भैया कुछ फीचर्स बताइए इसके। ये टच स्क्रीन आता है, ठीक है जी, इंटरनेट इनबिल्ट आता है। हाँ, इंटरनेट अलेक्सा के साथ, ठीक है ये। और इसमें स्कॉर्पियो जो मतलब पहले से आती थी उसमें ये सब फीचर्स नहीं आते थे कभी आज। हाँ, अभी तक नहीं आया इतना इतना एडवांस लेवल। जैसे पेट्रोल मॉडल में भी आ गया, ऑटोमेटिक पहली बार आई है। यस, ऑटोमेटिक, ठीक है, काफी काफी अलेक्सा के साथ आई है। सोनी का मतलब साउंड बॉक्स है इसमें, 12 स्पीकर्स मिलते हैं, 12 स्पीकर्स वो भी सोनी का भाई। बाकी सब तो हरमन देता है, जैसे टाटा हो गया हरमन देता है, वो हरमन देता है भाई। सोनी का स्पीकर आप समझ लो, गाड़ी किस लेवल पे होगी आपकी, धूम धड़ाका हो सकता है। कुछ बजा सकते हैं भैया? स्टार्ट कर दीजिए, ब्रेक पे पैर रखिए, ब्रेक पे पैर, ब्रेक बीच वाला है, बीच वाला है, वो बटन प्रेस कर दीजिए, ये वाला। चलिए, पहली बार स्कॉर्पियो दिया है, ऑटो स्टार्ट और स्टॉप बटन वहाँ पे। वाह, भागेगी नहीं ना भैया आगे? नहीं, जब तक पी पे रहेगी ना पार्किंग मोड पे, पार्किंग मोड पे तब आगे नहीं जाएगी। रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड, और ये मैनुअल होता है। मैनुअल में क्या होगा भाई? मैनुअल होता है ना कि आप ब्रेक पे रखे रहिएगा, अभी नहीं रहे, धीरे रहने, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ब्रेक बस पैर रखिए, ये ब्रेक बीच वाला दबाए रखिएगा, उसको छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये आपका रिवर्स हो गया जी, ब्रेक नहीं छोड़ना है, ब्रेक नहीं छोड़ना। ये आपका न्यूट्रल हो गया गाड़ी, और ये ड्राइव मोड हो गया, हर चीज़ यहाँ शो करेगा इसमें नहीं। अच्छा, ये ड्राइव मोड हो गया जी सर, और ये हो जाता है मैनुअल आपका। मैनुअल क्या होता है ना, गियर आप ऐसे बढ़ाइएगा, प्लस प्लस नीचे अपने आप हो जाएगा, माइनस खुद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 लिख रहा है ना गियर, हाँ, जैसे प्लस करता हूँ 2 5 गियर, वही अगर डी 6, इसमें 6 गियर आएगा, 6 गियर, वही अगर डी पे करते हैं तो वो ड्राइव मोड रहेगा। उसमें बस आपको गाड़ी को एक्सीलरेट करना है, बस एक्सीलरेट करना है, आराम से पार्किंग पे डाल दीजिए, पार्किंग पर डालिएगा तभी गाड़ी वहाँ से ब्रेक से हटा सकते हैं। अब ब्रेक से पैर हटाना पड़ेगा, देखो ये ब्रेक है, वो ये ब्रेक है और ये एक्सेलेटर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। भैया कनेक्ट कर रहे हैं, देखो मैक्स पे एसी भाग रहा है भाई, लगता है विद इन 30 सेकेंड कूल कर दिया है, 30 सेकेंड में कूल कर दिया है। पीछे से भी आ रहा है क्या? अलग से दिया है ये, इसका फोर व्हील ड्राइव कंट्रोल से, फोर व्हील ड्राइव का कंट्रोल, वो जो थार में भी है, नॉब को घुमाने से होता है। काफ़ी अच्छा है भैया, काफ़ी आपको व्यू आ रहा होगा, बाप रे बाप, अच्छा है एकदम मैक्स लेवल पे। भैया अभी कनेक्ट कर रहे हैं ब्लूटूथ, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। इसमें मोड भी आता है भैया एक, जो काफी दूर दूर तक म्यूजिक के लिए, बिल्कुल म्यूजिक के लिए मोड आता है एक, 3D साउंड, पार्टी पे करिए। ओ माय थार का भैया, थार का वेटिंग पीरियड कितना हो रहा है? पेट्रोल को आपको लग जाएगा, पेट्रोल को आने में 3 महीना के आसपास, 3 महीना, तो डीजल 7 से 8 महीना, 7 से 8 महीना। थार का भी है कि नहीं बुकिंग? बहुत है कि नहीं? और ये थार है भाई, और ये और प्लस म्यूजिक सिस्टम, तो मैं फैन हो गया एकदम, रियली बता रहा हूँ सर, एकदम अंदर से आ रहा है कि फैन हो गया सोनी का सुन के। म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा दिया इसमें, और 700 दोनों गाड़ियाँ, 700 में भी म्यूजिक सोनी का ही, मगर इसमें 12 दिए ना सर, उसमें भी 12 है, गजब है। तो उसमें ये वाले मोड आते हैं कि नहीं, ये वाला जो अप डाउन, बिल्कुल आता है, उसमें भी आते हैं, इससे ज्यादा फीचर्स में मिलेंगे आपको 700 में। 700 की क्या चल रही है सर अभी? वेटिंग उसकी, वेटिंग अभी चल रही है 1.5 साल, डेढ़ साल बिल्कुल। अरे गजब, इधर से आप इसके बैक साइड की सीट देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है प्रीमियम में बैठने के लिए। यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी मिलता है, इसको निकालते हैं, काफ़ी हार्ड है। 2 कप होल्डर के साथ आपको ये आर्म रेस्ट मिलता है, इसको बंद करते हैं। सीट पूरा लेदर में आपको मिलेगा क्योंकि लग्जरियस पैक है। तो अगर आपको पीछे का सीट विजिट करना है
तो यहाँ पे एक लीवर है, इसको सिर्फ आपको दबाना है और ये अपने आप हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए। फिर आप पीछे का सीट विजिट कर सकते हो। प्रेम ज़रा पीछे बैठ के दिखाओ तो कैसा है, पीछे बैठ के देखो तो एक बार। बॉस पीछे बैठो एक बार, थोड़ा कोना में जाओ। हाँ, कैसा लग रहा है पीछे बैठ के, थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं? वो आगे पीछे हो सकता है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। कैसा लग रहा है कंफर्ट? पैर रखने में स्पेस बनेगा ऐसे तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, उसको आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा सुनो, इसको करते हैं हम लोग, ये काफ़ी बड़ा है आपका। अब इधर बैठो, इस साइड बैठो, इस साइड बैठाओ। इस साइड बैठने में थोड़ा पूरा कंफर्टेबल है, आराम से बैठो। इस साइड कंफर्टेबल है, थोड़ा कस के भी बोल लिया कर। इस साइड काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। हाँ कंफर्टेबल है इस साइड, और इस साइड आपका उस साइड क्या होता है ना, ये आपको पीछे भी आप कर सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये पीछे भी कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो। इसको एक पुश में आप इसको ओपन कर सकते हो। एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूँ, प्रेम को निकालना है। ये देखिए आपका ये पीछे हो गया। इस साइड आप लीवर देख सकते हो, उसको अभी उसको पीछे कर सकते हैं। वो बैठ के होता है, वो पीछे कर सकते हैं, इसको पीछे कर सकते हैं, इसको आगे कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से है। और इधर आपको एसी वेंट मिलता है, इस तरफ नहीं मिलता, मगर एसी का कूलिंग मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है कैसा है, बताना। चार्जिंग सॉकेट मिलता है एप्पल वालों के लिए भी, और इधर से आप एसी का पावर भी सेट कर सकते हो पीछे के लिए। और पीछे इधर बैठो तो प्रेम, इधर एक बार बैठ के दिखाओ, इधर कैसा लग रहा है? वैसे पूरा लत जाओ, पीछे लत जाओ। हाँ कैसा लग रहा है? हाँ यहाँ तो पूरा कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है ना। वही इसको आप पीछे कर सकते हो बैठ के, इसको आगे कर सकते हो। देखो ये आगे आ गया, और इसको पीछे कर सकते हो। ज़रा पीछे वाला बूट भी देख लेते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, मगर हम लोग ऐसे ही इसको ओपन करेंगे। थोड़ा उधर से पकड़ना प्रेम। चलो तो पीछे काफ़ी ये खोलने के लिए दिया है, इमरजेंसी के लिए। बूट स्पेस थोड़ा सा मिलता है, मगर आप इसको इसमें इसको आप पीछे भी कर सकते हो रिक्लाइन एंगल की तरफ। यहाँ से इसको खींच के आप पीछे कर सकते हो, और इसमें एडजस्टेबल आपको मिलते हैं। और पीछे का जगह थोड़ा सा कम है, मगर इसको आप बढ़ा सकते हो सीट को बंद करके, सेवन सीटर को बंद करके आप इसको पीछे से बढ़ा सकते हो। काफ़ी अच्छा लग रहा है पीछे से। पीछे से थोड़ा बम्प दिया हुआ है कि सामान वामान आपका टच ना हो। चलो इसको बंद कर दो। लाइट्स तो मैंने पीछे से आपको पूरा व्यू दिखा दिया। कैमरा कहाँ है यार, कैमरा नहीं दिख रहा है। ये रहा हमारा कैमरा, फोकस हो जाए। हाँ कैमरा दिया हुआ है, चार पार्किंग सेंसर, काफ़ी अच्छा है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ से जाते जाते, ये देखो इधर से आपका पेट्रोल का, मोबिल का, सबका। ये डीजल है तो डीजल वाला आपका ऑन हो जाएगा, और यहीं से आप इसको बंद कर सकते हो। इस वीडियो में यहीं तक ब्लॉग को एंड करते आप आए। मुझे लगता है कि आपको ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक देना ब्लॉग को। काफ़ी अच्छा मैंने ब्लॉग शूट करने का कोशिश किया, आपको अच्छा से व्यू कराने का कोशिश किया। और काफ़ी अफवाह के बारे में मत सुनना, बहुत सारे बड़े यूट्यूबर होते हैं जो पेड प्रमोशन भी करते हैं, अफवाह में मत रहना भाई। गाड़ी काफ़ी अच्छी है, बिग डैडी इसको इसीलिए नहीं कहते। आप आओ एक बार, आप चलाओ और इसको एक बार अंदर से फील करो, आपको अच्छा लगेगा, मेरा गारंटी है। चलो ब्लॉग को एंड करते हैं। चलो थैंक यू गाइस, और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब बोल दो यार प्रेम, करने के लिए सब्सक्राइब आज सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, व्लॉग पसंद आया तो शेयर करो। चलो बाय, गुड नाइट।